खुद सो गए सलाम उन शहीदों को जो खो गए। गाइस अभी मिल रही है बूंदी, हम लोगों को मिल चुकी है और पीछे अभी बट रही है बूंदी, मैंने बोला था। अभी हो चुकी है बच्चों की छुट्टी और अभी जा रहे हैं सभी लोग अपने अपने घर। कुछ समय पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अभी कॉलेज पूरा खाली हो चुका है क्योंकि टाइम हो चुका है और थोड़ा हम लेट हो गए इसलिए पहले नहीं आ पाए, क्योंकि गांव में कुछ काम पड़ गया घर पर तो लेट हो गया था थोड़ा, तो इसलिए पार्टी बदल लिया साला। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आने वाला है वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा। मगर क्यों? क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चों के स्कूलों में किस तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और कितने प्रोग्राम होते हैं। तो आज हम लेकर चलेंगे आपको स्कूलों में, तो दिखाएंगे चल के। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग ऐसा वीडियो कोई भी ना मांगे जिससे मुझे बनाने में दिक्कत हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं किसी की डांस की वीडियो डाल दो, तो ये डांस की वीडियो मैं नहीं डाल सकता क्योंकि ये कानून अपराध है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ तो अगर मैंने किसी का भी वीडियो डाल दिया तो उनके माता पिता अगर देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, मतलब कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर तुमने हमारे बेटी की वीडियो डाल दिया। गजब बेइज्जती है। लड़का लड़के की बात अलग है, लड़के की वीडियो डाल सकते हैं पर लड़की की हम किसी भी लड़की की वीडियो नहीं डालेंगे, बस यही हम बताना चाहते हैं। लेकिन आज हम चलेंगे कॉलेजों में और दिखाएंगे किस तरीके से जो है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो वीडियो में जुड़े रहें और फुल मजे लें। तो आज अभी कोहरा वेरा कुछ भी नहीं कटा क्योंकि सुबह सुबह कटा था थोड़ा सा कोहरा, तो अभी बादल है इसलिए कोहरा वेरा साफ हो चुका है। तो हो सकता है प्रोग्राम कुछ स्कूलों में हो भी ना, कैंसिल भी हो जाए क्योंकि कल बरसात के कारण पानी बहुत ही ज्यादा था। तो अभी देखेंगे चल के, निकलेंगे बाहर जब तो पता चल जाएगा कि कहाँ प्रोग्राम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे मतलब जाते हैं बच्चे फूल वूल लेकर। तो गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है, तो आपको लेकर चलते हैं बाहर। तो ब्लॉग में जुड़े रहें और फुल मजे लें। तो चलो चलते हैं लेकर। आज है, आज का है 26 जनवरी। का है आज? नन्ना ना 26 जनवरी, 26 जनवरी है। हाँ दिखा दो 26 जनवरी। तुम आओ कैसे हो? इतो एक ठीक है, अब जल्दी ठीक हो जे। हैं तो आज जाइयो बिट्टी लड़ुआ खान स्कूल में। कहा बटी है आज स्कूल में? कहा बटी है? कहा बटी है बूंदी? आज बूंदी बटी है स्कूल में। कहाँ चलियो तुम? चलियो कौन? अरे हाँ भाई हाँ। कहाँ चलियो? जिधर पिल्लू आएगो, पिल्लू आएगो, पिल्लू आएगो। कहाँ आएगो? भैया चलो पतीले में चले। हैं चले, आज है 26 जनवरी। कहाँ है? नन्नी अबे चाय पी रही, चाय पी रही। कैसे पी जाते बताए दियो ने? देखियो चाय है। हाउ चाय तो है, पियो पियो। कैसे पियो? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऐसे चाय पी जा। जाए कहाँ रही हो? चलो बाहर चलें, आ जाओ। चलो चाय पी लो फिर चलो। हैं घूम घूम के चाय पी जात। फैली 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 फैलाओ ना, पी लो। जाई रही मुंह में। पियो पियो। कैसे पिया? पियो। वापिस रख उसे। अरे हरे अबे हम लोग सब लोग जा रहे, मतलब एक आध लोग नहीं जा रहे, एक आध लोग नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, सब जा रहे। जो दो लोग नहीं जा रहे हम लोग जा रहे। अबे
सब लोग जा रहे हाँ मतलब कॉलेज में जा रहे देखें, स्कूल में जा रहे मतलब कॉलेज में नहीं जा रहे, कॉलेज में कोई प्रोग्राम नहीं है, स्कूल में देखें चल रहा है 26 जनवरी का प्रोग्राम कैसे हुए। जानवर का दियो सॉफ्ट क्या बोला तूने नया क्या करा लूट आएगी सॉफ्ट की ना वीडियो बना यूट्यूब पे डाल वीडियो बना। तो गाइस पेट्रोल वेट्रोल डरा कर अभी जा रहे हैं, अभी मिल रही है बूंदी, हम लोगों को मिल चुकी है और पीछे अभी बढ़ रही है बूंदी, मैंने बोला था। अभी हो चुकी है बच्चों की छुट्टी और अभी जा रहे हैं सभी लोग अपने अपने घर। कुछ समय पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और अभी कॉलेज पूरा खाली हो चुका है क्योंकि टाइम हो चुका है और थोड़ा हम लेट हो गए इसलिए पहले नहीं आ पाए, क्योंकि गाँव में कुछ काम पड़ गया घर पर तो लेट हो गया था थोड़ा, तो इसलिए पार्टी बदल लिया साला, जल्दी नहीं आ पाया पर लेट हो गया थोड़ा, तो अभी देख सकते हैं आप पूरा कॉलेज खाली है तो अभी हम जा रहे हैं घर पर। मगर क्यों? बोले साहब दूसरी टांग भी नीली पड़ रही है। बोले ओ हो हसन मियां जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। दोनों टांगे काट दी, दोनों प्लास्टिक की लगा दी। दो दिन बाद हसन मियां फिर आ गए, बोले साहब ये प्लास्टिक वाली भी नीली पड़ रही है।
बोले ओ हो हसन साहब अब आया मर्च पकड़ में, आपकी लुंगी रंग छोड़ रही है। और बेचारों को उनको देर में समझ में आया और उनकी दोनों टांगे कसवा दी गई। अब आपको ऐसी कभी को हम बुलाएंगे जो आपसे कठिन कठिन बातें नहीं करेंगे, आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, आपको हंसाएंगे। मैं चाहता हूँ कि रजनीश त्रिपाठी जी आए और आप लोगों को हंसाएं अपनी कविताओं से, अपने गीत से। देख लीजिए आओ सर, एस के राज यूपी सबसे ऊपर समस्त कभी गान और यहाँ पास में ही दूसरा गाँव है फतेहपुर, वहाँ पर शिक्षक हूँ, यहाँ काफी बच्चे बैठे हैं जो मेरे गांव के मेरे पढ़ाए हुए हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चियाँ बैठी हैं। अभी हूँ लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अगर कहीं से हाथ से मिलता है तो वो विद्यालय है मेरा। ओके मैं विद्यालय में बच्चों से बातचीत करता हूँ तो बातचीत से हाथ निकलता है। अभी मैं पिछले दिनों विद्यालय पहुंचा, प्रार्थना चल रही थी तो मैंने एक बच्चे से कहा ये प्रार्थना में आंख बंद कर लिया करो। बोला गुरु जी इससे क्या होगा। मैंने कहा भगवान जल्दी सुनते हैं इससे, प्रार्थना में आंख बंद करने से। बोला हम नहीं मानते। नहीं क्यों। बोला अगर ऐसा हो रहा होता हम तो रोज बंद करते हैं, अगर ऐसा होता आंख बंद करने से भगवान जल्दी सुन लेते तो आप हमारे सामने जिंदा ना खड़े होते। ओए अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। जबरदस्त बच्चे है फरीदपुर के। एक दिन मैंने एक बच्चे की कॉपी लिख दिया, तुम्हारा बच्चा उसकी मम्मी के लिए डायरी लिख दिया, तुम्हारा बच्चा बहुत गंदा आता है, कृपया इसे नहला धुला कर भेजा करिए, बच्चा इतनी बदबू में आता है नहला धुला कर भेजो साफ सुथरा है। उसकी मम्मी ने मेरे लिए लिख दिया, बोला गुरु जी आप बच्चों को पढ़ाया करो सुनगा ना करो। इतने होशियार बच्चे। ये देखो भौतिकी की प्रयोगशाला है यहाँ पर, मेरे यहाँ प्रयोगशाला नहीं लेकिन मैं एक दिन प्रयोग करा रहा था, मैंने एक मोमबत्ती जला के आग लगाई, मैंने कहा बच्चों बताओ इसमें प्रकाश कहाँ से आया। एक बच्चे ने फूंक मार के प्रकाश बुझा दिया, बोला बताओ गुरु जी प्रकाश कहाँ चला गया। और गुरु जी ये जहाँ चला गया ये वहीं से आया था। बड़े हाजिर जवाब है। गाँव के नुक्कड़ पे एक दुकान थी तो उस दुकान पे एक बच्चा बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था, मैंने उसके गार्जियन खुलवाया, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बीड़ी पी रहा है। उसके गार्जियन भी उसी तरह के थे, बोले गुरु जी गाँव बहुत छोटा है यहाँ सिगरेट नहीं मिलती, यहाँ बीड़ी से ही काम चलाना पड़ता है। मैंने कहा बड़ा विचित्र माहौल है। एक दिन साहब सुबह सुबह मैं विद्यालय गया तो ऊपर बच्चे दो पेड़ पे चढ़े थे, मुझे दिखाई नहीं पड़े, मैं अपना काम करने लगा, अचानक डाल टूटी, नीचे बच्चे दोनों गिरे, सब इकट्ठे हो गए, सबने कहा क्या हुआ क्या हुआ। वो बच्चे झाड़ते हुए बोला गुरु जी मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। बड़े विचित्र किस्म के बच्चे रहते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ ये पास में ही है, मैं एक क्लास में गया कक्षा पांच में, ये देखो कुछ बच्चे मैं आके बैठे हैं, ये बैठा है ये प्रशांत बैठा है। कक्षा पांच में गया एक बच्चे से मैंने कहा तुम इतने बड़े हो गए हो हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, मैं जब तुम्हारे जितना था छोटा तो अंग्रेजी पढ़ लेता था। बच्चा बोला गुरु जी ज्यादा ज्ञान ना पाते तुम्हें कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। बच्चा मेरे घर में भी है, स्कूल में भी बच्चे देखता हूँ, घर में भी देखता हूँ, घर वाला और भी होशियार है। मैंने उस दिन किसी दिन उसे डांट दिया, मैंने कहा गधे कहीं के। बोला पिताजी तहजीब से रहा करो, मैं छोटा हूँ मुझसे गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। इस तरह के बच्चे रहते। अच्छा गांव में एक योजना चलती है जिसमें आप दोपहर में खाना खाते हो मिड डे मील, तो कई बार घटना ऐसी होती है, आप इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद कर लो भैया आप सुन हो बैठ के, तो कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि कहा जाता है कई लोग टीचर कंप्लेन करते हैं कि प्रधान जी इसमें हिस्सा मांगते हैं, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। तो एक प्रधान जी से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है आप पे दोष लगते हैं ये किसी गाँव की घटना है। वो बोले ये तो संस्कृत की किताब में लिखा है। मैंने कहा लिखा है, तो वो कक्षा चार की किताब ले आई, उसमें लिखा था विद्या धर्म सर्व धन प्रधानम। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है। बोले लिखा तो है विद्या धर्म सर्व धन प्रधानम। मैंने कहा मतलब। बोले अर्थात विद्या के लिए आया समस्त धन प्रधान का है, फिर चाहे प्रधान उसमें 20% खा दे चाहे 50% खा दे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो अशिक्षा है। आप लोग खूब पढ़े किस तरह के शिकार ना हो। मैं भ्रष्टाचार के ऊपर एक छोटी सी कविता रखता हूँ और उसके बाद जहाँ निर्मल जी ने खत्म किया वहां से शुरू करता हूँ।
और भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। कैसे देखिएगा कि भ्रष्ट नहीं है नेता सारे, ये तो है शिक्षा के मारे। भ्रष्ट नहीं है नेता सारे, ये तो है शिक्षा के मारे। हिंदी भी ना आए पढ़ना, अंग्रेजी के क्या है कहना, कहाँ लिखा था पता नहीं, पर गांधी ने तो लिखा कहीं कि रिश्वत लेना अन्याय है। नेता समझे अन्य आए, नेता समझे अन्य आए हैं, इसमें इनकी कहाँ है गलती, आप समझे क्यों रिश्वत चलती। इतनी ही बस नहीं समस्या, लिखने में भी हाथ तक अच्छा। नेता जब तो गले मिले, नेता जब तो गले मिले, अर्थ नए कुछ और मिले, अर्थ नए कुछ और मिले, नेता जब तो गले मिले, लिखना था तो गले मिल रहे, इन्होंने लिखा तो गले मिल रहे। इन्होंने लिखा दो गले मिल रहे। तो जैसा उन्होंने पढ़ा वैसा अर्थ निकाला, वैसी व्याख्या की। अभी बहुत ही अच्छी कविताएं सुनाई आदरणीय निर्मल जी ने, उन्होंने बताया निराशा मृत्यु के समान होती है, आशा से ही सृजन होता है। मैं आप लोगों के लिए एक उम्मीद का एक प्रेरणा गीत आपके सामने रखता हूं, जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लिखा है। पीछे बच्चे बैठ जाओ। कि राह मुश्किल सही, कि राह मुश्किल सही, दूर मंजिल सही, राह मुश्किल सही, दूर मंजिल सही, चाह जो तुमने वो होना हासिल सही, चाह जो तुमने वो होना हासिल सही, हौसला रखना इसका भी हल आएगा, वक्त कैसा भी हो कल बदल जाएगा, वक्त कैसा भी हो कल बदल जाएगा। तो मैंने भी घर से कह दिया कि यस, बोले कितनी, मैंने कहा बस इतनी ही है ना। अब देखो, क्योंकि मैं हास्य कवि हूँ, हास्य कविताएं लिखता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे मोबाइल पकड़े हुए हैं, घर पे आप लोगों की डांट पड़ती होगी कि दिन भर मोबाइल देखते रहते हो, पड़ती डांट कितने लोगों की पड़ती है। देखो मेरी भी पढ़ती थी, अब लेकिन नहीं पढ़ती, क्योंकि एक उपाय हमने किया। मैं एक चार लाइन सुनाता हूँ, एक नक्शी छंद सुनाता हूँ, सुनिए। मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे मेरे, अरे वाह कौन बोला था, मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी दो दो दिन हाथ ना लगाते हैं, उनका बटन वाला था, कभी कभी दो दो दिन हाथ ना लगाते हैं। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं, तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं, एक एंड्रॉइड लाके पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। भैया अभी कह रहे थे, एक बार ये भाभी की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारी भाभी बहुत संस्कारी है, तो मैंने कहा अच्छा मतलब उदाहरण तो बताओ कैसे संस्कारी है, बोले कि रोज मंदिर जाती है। तो मैंने कहा मंदिर तो बहुत सी महिलाएं जाती हैं, बोले रोज नंगे पैर मंदिर जाती है। तो हमने कहा नंगे पैर भी बहुत से पूजा करने जाते हैं तो नंगे पैर ही जाते, तो बोले नहीं जाते नंगे पैर है, लौट के नहीं जाती नंगे पैर, लौट के जब तुम पहन के ही आती है पूरी बिल्कुल। मैं राजनीति पे लिखता हूँ अधिकतर, जो प्रोग्राम है लपेटे में नेताजी जिसमें जाता हूँ उसमें क्या होता है हम लोग नेताओं के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इटावा के ही एक नेता से शुरुआत कर रहा हूँ, एक इटावा में नेता है, सब लोग उनको चाचा जी कहते हैं, समझ गए आप लोग, चाचा जी समझ गए कौन है चाचा। सब लोग कई युवा नेता है इटावा में, युवाओं को बड़ा शौक है इस बात का, हर बात को वो चाचा से कह देंगे, और चाचा ये चाचा, कोई अच्छा काम हो तो चाचा ने कराया, कोई खराब काम हुआ तो भी चाचा ने नहीं होने दिया, मोबाइल तो ऐसे ही सब चाचा के मिले। डाउन हो अगर समझ में नहीं आया तो बता दे रहा हूँ, शिवपाल सिंह यादव की बात कर रहा हूँ, है ना, दो चाचा के भतीजे, सब लोग ये समझ, हर कोई ये दिखाता है कि हम चाचा जी के बहुत करीबी है, तो ऐसे ही दो भतीजे मिले। सुनो
तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। कैसे पकड़ा? तीन लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। चाचा जी कहूँ सगा भतीजा जानता नहीं क्या, पाइप भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला खुशबू से बिरलता, नैनों से निष्ठा, प्रेम से पराकाष्ठा और नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी तब जाकर विधाता ने बेटियां बनाई होगी, तब जाकर विधाता ने बेटियां बनाई। कहते हैं कि बेटियां बेटों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एक अच्छी बेटी दो दो घरों को बनाती है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे घड़ा सस्ता आता है, घड़ी महंगी आती है ना? ऐसे ही बेटा बेटी घर अच्छी होती है। अब और बागेश्वर बाबा की बात करी तो उन्होंने ऐसे ही देखो एक क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था वो अपने भाई को कहीं ले जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि ये मेरा भाई है ये बीड़ी बहुत पीता है, इतनी पीता है कि इसके हाथ बांधने पड़ते हैं तब जाकर मानता है। तो मैंने कहा ले जा रहे हो, बोले रामदेव बाबा के आश्रम में ले जा रहे हैं, शायद योग से इसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। एक महीने बाद मिला, मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोले क्या बताए, रामदेव बाबा ने मरवा दिया। हमने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले आदत तो नहीं छूटी लेकिन योग से उसका शरीर इतना लचीला हो गया है कि हाथ बांध लो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। तो कभी कभी योग के नुकसान भी होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हम बुलाएं बुले जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग बेकरार हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदरणीय निर्मल जी आए पर जोरदार तालियां, जोरदार। दिल्ली गया इंडिया गेट देखने, तो बच्चे छोटे छोटे थे कोई नहीं गया, एक ने हाथ उठाया भी और फिर नीचे कर लिया। तो सर बोले कि अच्छा तुमने हाथ उठाया था, तुम गई हो दिल्ली? कि हाँ गए हैं। कि इंडिया गेट देखा था? कि नहीं। कि अच्छा दिल्ली गई होगी, इंडिया गेट पे नहीं गई होगी? कि नहीं इंडिया गेट भी गए थे। बोले दिल्ली गए, इंडिया गेट पे भी गई और फिर भी इंडिया गेट नहीं देखा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझो बच्चे कितने भोले भाले होते हैं, जो घर में सुनते हैं आसपास सुनते रहते हैं वही उनके दिमाग में होता है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली भी गई, इंडिया गेट पे भी गई है ना, और फिर भी इंडिया गेट नहीं देखा? तो वो बोली कि मम्मी के साथ गए थे, मम्मी बताती तब हम उनके पेट में रहते। तो बात तो गलत नहीं थी है, वैज्ञानिक तौर पर बात तो सही थी। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। हिंदी वाली कविता के लिए कहा है, चार लाइनें मैं हिंदी के लिए सुनाता हूँ। जो ईश्वर से मिला हमको वही वरदान है हिंदी, सहज सुंदर सरल निर्मल बड़ी आसान है हिंदी। पढ़ो तुलसी को मीरा को कभी रसखान को पढ़ना, पढ़ो तुलसी को मीरा को कभी रसखान को पढ़ना, ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है हिंदी, ये खुद ही जान जाओगे कि हिंदुस्तान है। ऐसे एक बार बच्चों से पूछ रहा था कोई, एक सर थे उन्हें हर बच्चे से यही पूछते थे तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें इंग्लिश आती है? एक बार उससे भी पूछने लगे तुम्हें इंग्लिश आती है? तो मैंने भी गर्व से कह दिया कि यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस इतनी ही आती। आज के बाद जब भी वो लोग खाओगी तो मेरा नाम अवनीश त्रिपाठी है जरूर याद आएगा। सुनना एक मिनट की कविता है, 60 सेकंड में मजा आएगा। चार लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा, तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, वो चमचा चलाते रहते मसाला मिलता रहे। अचानक खिलाते खिलाते ठेले वाला दर से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा ना चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रहे हैं बड़े चाव से, अरे आपको कहां मतलब किसी गरीब के भाव से। तब उसने बार बार चमचे चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ उस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है पानी में चमचे से निकालने की कोशिश।
भगवान चलो ठीक है, अब थोड़ी समय में ज्यादा हो रहा है, हम लोग लेट प्रोग्राम शुरू कर पाए थे, इसलिए अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में 26 जनवरी का दिन है, रोहित चौधरी जो वीर रस की कविताएं लिखते हैं आपके बीच में उत्साह जगाने का काम करेंगे। मैं अच्छा 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 कहाँ गई थी तुम, हारे गई था। बात तो सही है। आ जाओ है ना पी पी ना है ना भजे आओ आ जाओ कन्या ले ले। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपने घर पर और अनन्या आ रही थी बाहर से। कहाँ से आ रही थी, हारे से हारे गई थी अनन्या। तो आज था गणतंत्र दिवस और प्रोग्राम आप देख ही चुके होंगे कैसा प्रोग्राम रहा कॉलेज में। मैं दो कॉलेजों में गया और दोनों जगह थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो वीडियो आपको आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो करते हैं समाप्त क्योंकि आज था स्वतंत्र दिवस। तो आज सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।